हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए एंड आई एम सुंबल शहजाद। तो हम देख लेते हैं कि कंपोजिशन क्या है सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट में बैठते हैं 9 जजेस, ठीक है, एक चीफ जस्टिस होता है और 8 उसके एसोसिएट जजेस होते हैं। तो ये एमसीक्यू के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट की कंपोजिशन क्या है। तो 9 जजेस हैं, ठीक है। ये 9 के 9 जजेस जो है ना, ये सब के सब कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट, और अप्रूव कौन करता है, सेनेट। और यूजुअली जो प्रेसिडेंट होते हैं ना, प्रेसिडेंट जो है ना वो इन जजेस को अपनी पार्टी से लेकर आते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट की अपनी पार्टी से होते हैं नॉर्मली। अच्छा, अब अपॉइंटमेंट किस बेसिस पर होती है, वास्ट लीगल एक्सपीरियंस की बेस पर होती है। और अगर एक जज अपॉइंट कर लिया है प्रेसिडेंट ने, तो प्रेसिडेंट उसको रिमूव नहीं कर सकता, क्योंकि उसको बस इम्पीच किया जा सकता है, वो भी सेनेट करेगी या कांग्रेस करेगी। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास, जजेस जो हैं उनको अगर रिमूव करना है तो वो सिर्फ और सिर्फ इम्पीचमेंट के थ्रू ही रिमूव हो सकते हैं, या फिर अगर वो 70 इयर्स तक पहुंच गए हैं तो वो रिटायरमेंट के लिए अप्लाई करते हैं। तो ये एक तरीका है उनको रिमूव करने का। अच्छा, इनकी पावर्स और जुरिस्डिक्शन क्या है, तो इनकी दो तरह की पावर्स या जुरिस्डिक्शन है, एपेलेट जुरिस्डिक्शन है और ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। अच्छा, इन दोनों में क्या फ़र्क है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में जो केसेस है ना वो सुप्रीम कोर्ट में ही बनते हैं, ठीक है, वहीं अराइज होते हैं। अब इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट इस तरह के जो केसेस सुनती है ना, उसमें स्टेट खुद एक पार्टी होती है। अब ये मसले क्या हो सकते हैं, स्टेट और सेंटर के बीच में मसले हो सकते हैं, या दो स्टेट्स के बीच में मसले हो सकते हैं। तो वो सुप्रीम कोर्ट में ही जाएगा मसला, कोई भी स्टेट अपने कोर्ट में थोड़ी किसी और स्टेट के अगेंस्ट जो है वो मुकदमा दायर करेगी, समझे। अच्छा, नेक्स्ट है अपेलेट जुरिस्डिक्शन। अपेलेट जुरिस्डिक्शन में हमारे पास क्या है, अपेलेट जुरिस्डिक्शन में हमारे पास ये है कि इनकी जो पावर्स होती हैं, मतलब जैसे छोटे छोटे कोर्ट्स हैं उनमें कोई फैसला हुआ है उसके अगेंस्ट अगर अपील करनी है, तो फिर हम अपील कहाँ करेंगे, बड़े कोर्ट में, वो सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट कुछ केसेस, हर केस की अपील जो है सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनता, कुछ केसेस के मतलब कुछ स्पेसिफिक कोर्ट्स हैं जिनके केसेस की अपील सुप्रीम कोर्ट तक आ सकती है। अच्छा, वो कोर्ट्स कौन से, फेडरल कोर्ट्स हैं, ठीक है, फेडरल कोर्ट्स हैं, उनकी ब्रांचेस होती हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में। तो अगर फेडरल कोर्ट की कोई ब्रांच है स्टेट में और उस कोर्ट में कोई इशू चल रहा था, कोई केस चल रहा था, उसका फैसला आया है और वो किसी ने मानने से इनकार कर दिया, तो उसकी अपील की जा सकती है। या फिर स्टेट कोर्ट्स जो है ना, उनकी अपील्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट सुन सकता है, ठीक है। अच्छा, फिर एक और चीज़ क्या है, अगर कोई बंदा है, कोई इंसान है, उसको लगता है कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऐसी आई है जो कि ठीक नहीं है, तो अपील कर सकता है कांग्रेस के अगेंस्ट कि इसने जो है अमेंडमेंट किया वो ठीक नहीं है, या कोई भी लॉ पास किया है उसके अगेंस्ट अपील हो सकती है, कोई ट्रीटी साइन किया प्रेसिडेंट ने उसके अगेंस्ट अपील हो सकती है, या फिर कोई ऐसा केस है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए अपील की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का कुछ कंसेप्ट है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट इन एक्शन ऑपरेशन या एक्शन, तो इसमें ना मैंने बातें लिखी हैं जुडिशियल रिव्यू के हवाले से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, और वो कुछ ऐसे केसेस हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की ही बात मानी जा रही होती है जुडिशियल रिव्यू। जैसे यहाँ पाकिस्तान में सुमोटो बहुत ज़्यादा चलता है ना, तो उसे जुडिशियल रिव्यू ही कहते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे केसेस थे जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू लिया है, स्पेशली ये जॉन मार्शल का टाइम था, ठीक है, चीफ जस्टिस थे, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो जुडिशियल रिव्यू का यूज़ किया है। मैंने कुछ केसेस के नाम लिखे हैं, सिर्फ केसेस के नाम याद कर लीजिएगा, पूरी पूरी स्टोरी जानने की ज़रूरत नहीं है। तो मरबरी वर्सेज मेडिसन का एक केस था, ठीक है, इसमें भी जॉन मार्शल ने सुप्रीम जो है वो जुडिशियल रिव्यू यूज़ किया था, ठीक है। और सबसे पहले दफ़ा इसी केस में, मरबरी और मेडिसन के केस में ये जुडिशियल रिव्यू यूज़ हुआ था, ठीक है। कांग्रेस का एक एक्ट था, उसको नल एंड वॉइड कर दिया था, ठीक है, और इससे क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट की पावर बहुत ज़्यादा हाई हो गई थी। फिर फ्लेचर वर्सेस पैक का एक केस था, ये ना कुछ लैंड की सेल और परचेज के हवाले से कोई मसला आया था, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहा है कोई भी इंसान, और उसमें मतलब जो
आप उसको अपहेल्ड नहीं कर सकते, स्टेट उसको अपहेल्ड नहीं कर सकती दो लोगों के दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये था एक केस। फिर जॉन मार्शल ने एक और केस था, मकोलो वर्सेस मैरीलैंड का केस था, गिब्सन्स वर्सेस ऑगडन का केस था। तो ये कुछ केसेस हैं जिनमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने जुडिशियल रिव्यू को बहुत ज़्यादा यूज़ किया, ठीक है। रूज़वेल्ट का जब टाइम था ना, रूज़वेल्ट के टाइम में सुप्रीम कोर्ट भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया था, क्योंकि प्रेजेंट रूज़वेल्ट बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए थे, एग्जीक्यूटिव ब्रांच बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई थी। तो एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो है, जो मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज जो बना रही थी ना, तो कोर्ट को लग रहा था कि अनकॉन्स्टिट्यूशनली काम करें, लोगों के इकोनॉमिक राइट्स जो हैं वो उनको वायलेट कर रहे हैं, कंपनीज के इकोनॉमिक राइट्स को वायलेट कर रहे हैं, जो कैपिटलिज्म का एक सिस्टम है ना उसको ओवररूल करने की कोशिश कर रहा प्रेसिडेंट। तो जो है सुप्रीम कोर्ट जो है इनको रोक रहा था FDR को, ठीक है। तो यहाँ रूज़वेल्ट ने भी अपना एक तुर्क का पत्ता खेलने की कोशिश की, लेकिन एक तरह से वो नाकाम हो गए थे। रूज़वेल्ट ने ये किया कि जो लोग थे ना 70 इयर्स की एज तक पहुंच गए थे, लेकिन अभी तक उन्होंने रिटायरमेंट अप्लाई नहीं की थी, क्योंकि 70 इयर्स की एज के बाद भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो 70 इयर्स की एज आ गई थी और वो जो है वो अपनी सीट नहीं छोड़ रहे थे। तो रूज़वेल्ट ने क्या किया, कांग्रेस ने एक अपना एक समझ लें कि पॉलिसी या प्लान रखा कि जी जो लोग 70 इयर्स की एज को पहुंच गए हैं उनकी जगह हम नए जजेस को मतलब मजीद अपॉइंट कर लेते हैं, वो तो छोड़ नहीं रहे ना, हम उन्हें हटा सकते हैं, ठीक है। तो हम न्यू जजेस को उनकी जगह मतलब उनके साथ रख लेते हैं। तो इससे क्या होगा, जजेस की तादाद तकरीबन 15 हो जाएगी, 9 से 15 हो जाएगी। तो और अगर प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है जजेस को, तो वो ऐसे ही जजेस लेकर आएगा ना जो उसकी पॉलिसीज से सिंपथी रखते होंगे, इंक्लिनेशन होगी। तो इससे क्या होगा कि कोर्ट का जो स्ट्रिक्ट स्टांस है ना वो डाइल्यूट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ और लोग वो आ जाएंगे जो रूज़वेल्ट की आइडियोलॉजी के साथ जो है वो चल रहे हैं। लेकिन ये हो नहीं सका, कांग्रेस ने इसको लेट डाउन कर दिया और जो है रूज़वेल्ट नहीं कुछ भी कर सके, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक थे, ठीक है।